हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 11 अगस्त 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। आज जो पहली न्यूज आई है वो आई है सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके। तो इसके बारे में देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को लेके देखो, बात यह है कि अभी इसकी 76वीं एनिवर्सरी है, वो मनाई गई थी 8 अगस्त को। तो उसी मौके पर आर्टिकल आया है। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या होता है, भारत छोड़ो मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे क्या क्या किस कंडीशन में एक्चुअली ये हुआ था। क्योंकि देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनने के काफी काफी चांसेस हो जाते हैं, और हम एक दो टाइप से देखेंगे भी कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन आजकल पूछ रही है। हम उस पैटर्न को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कंटेक्स्ट हमने देख लिया कि 76वीं एनिवर्सरी है, वो मनाई गई थी 8 अगस्त को। अब इसके बारे में देखते हैं कि किस कंडीशन में क्विट इंडिया मूवमेंट है वो भारत में मतलब स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में फीचर्स देखते हैं। देखो, आपको पता है कि अंग्रेज लोग है ब्रिटिश टाइम पे, वो चाहते थे कि इंडिया है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो, जबकि इंडिया नहीं चाहता था कि भाई ब्रिटिश जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है इसके अंदर हम शामिल हों। इसीलिए खिंचा मस्कस है वो चल रही थी। और आपको पता है इसी दौरान क्रिप्स मिशन है वो भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि उसने काफी धांधलेबाजी मतलब कहीं ना कहीं उसके इरादे नेक नहीं थे, इसीलिए क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन इंडिया में फेल हो गया। क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो गांधी जी को समझ में आ गया था कि हाँ भाई, मामला ठीक नहीं है, अब तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। और इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, डू एंड डाई वाला कॉन्सेप्ट लेके, मतलब करो या मरो वाला कॉन्सेप्ट लेके, क्या तो कुछ करो या फिर करते करते कुछ मर जाओ, मतलब हमें कुछ यहाँ पे देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि देखो, लोगों के अंदर जो गुस्सा था ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो काफी ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम तक। ब्रिटिश शासन ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उस टाइम पे भी किस तरीके से इंडिया के लोगों को जो सप्रेस किया था, मतलब कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लोइट किया था। उसके बाद देखा था नेरोलैक्ट एक्ट आया था, मतलब कहीं ना कहीं इंडियन लोगों को काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड वो किया गया था। इसीलिए इस बार सोचा गया कि भाई, हम पहले से क्लियर करते हैं कि देखो हमें आप आजादी दीजिए, बट अंग्रेजों ने ऐसा कोई प्रस्ताव वगैरह डन नहीं किया, और इसीलिए माहौल ज्यादा खराब है वो यहाँ पे होने लग गया। अब देखो, बात यह कि जो ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ज्यादा इसमें मतलब एक तरीके से हवाई ज्यादा रह गई, ज्यादा ढंग से बन नहीं पाया, ये बहुत ज्यादा ढंग से ऊपर नहीं उठा। इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रशासन ने इसको कुचल दिया, और कहीं ना कहीं जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको टाल दिया गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम कुछ देखेंगे, अभी तो वर्ल्ड वॉर में आप लड़ाई में हमारा साथ दो, ये सीन बेसिकली चल रहा था। इसी दौरान आपको बताएं कि 14 जुलाई 1942 को क्या हुआ था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी वर्धा में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली कि करो या जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे इसका मीटिंग वगैरह हो रही थी। तो ये ध्यान रखनी है आपको कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, और वहीं पे ये रिजोल्यूशन पास किया गया कि हाँ भाई ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट की भाई अंग्रेजों, अब तुम भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को यहाँ से निकालने की पूरी पूरी मशक्कत है वो शुरू हो गई। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक तरीके का, जैसे एक तो यूपीएससी आपको ये पूछ सकती है कि इनमें से कौन से ऐसे नेता है जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं थे। जैसे कि आपको ऑप्शन दे देगी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद और नेहरू। तो आपको सोचना है कि कौन सा है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेट जो प्रोसीजर है ना, इससे सही सोल्व कर सकते हैं। अब ऐसे तो हम रटन नहीं बैठ पाएंगे कि यार जैसे कि कौन कौन से नेता उस टाइम पे शामिल थे, तो इससे बेटर एलिमिनेट कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारा एक दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जो चल रहा था, इस टाइम पे था कौन कौन, जैसे कि हो सकता है कोई लीडर या तो जेल में हो। तो हम जैसा जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक है, उनकी तो डेथ हो गई थी 1920 में, तो वो तो बिल्कुल शामिल नहीं हो सकते। तो उसके आधार पे हम उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, और ऐसे हमारा क्वेश्चन है वो सही हो सकता है। तो यूपीएससी इस तरीके से बेसिकली आजकल क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछने लगी है। तो वहाँ पे हमें एलिमिनेशन का जो मेथड है उसको ध्यान में रख के चलना होता है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में जो भी ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं उनमें से हम एक एक को चेक करेंगे कि भाई पहला ऑप्शन है जैसे कि गांधी जी है, तो गांधी जी तो भाई टिल एंड तक है, तो वो तो आजादी तक है, तो हो सकता है ठीक है। बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भाई गांधी जी जेल में कब वगैरह थे, तो वहां पर भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है। जैसे कि आपको पूछ ले कि जब सेकंड दिल्ली दरबार हुआ था तो उस दौरान गांधी जी का क्या रोल था, तो भाई उस दौरान तो गांधी जी थे ही नहीं इंडिया में, गांधी जी तो आए बाद में, तो इसलिए वो वहीं पे कहीं ना कहीं वो चीज गलत हो जाती है। तो हमें ऐसे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन है वो आजकल पूछ रही है। अब बात करें इस टाइम पे, देखो तो चार मेन लीडर थे जैसे कि महात्मा गांधी जी, और इसके साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन चारों मेन नेताओं को क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और कहीं ना कहीं इनको मतलब इसे नजरबंद कर दिया गया। फिर भी देखो, लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था, तो इसलिए क्या कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो अपनी गति पकड़ने लग गया, मतलब आंदोलन था वो लोगों की नस नस में बस चुका था उस टाइम तक। लोगों के मन में आ गया था कि भाई अब हमें आजादी लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट। इसलिए उस टाइम पे लीडर की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर ही भावनाएं आ गई कि हाँ भाई हमें आजादी प्राप्त करनी है, इसलिए हमें लीडर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। देखो, आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे नेताओं को जो मेन लीडर थे इनको अरेस्ट कर लिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो भाई जब
जो सेना होती है उसका सेनापति नहीं है तो फिर सेना कैसे लड़ेगी। बट यहाँ पे सेना ने अपना टारगेट फिक्स कर लिया था, मतलब जनता का टारगेट फिक्स हो गया कि हमें लड़ाई करनी है अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालना है। बस उन्होंने उसी तरीके से स्टार्ट कर दी तो नेताओं को अरेस्ट करने का कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस को वहां पे एक तरीके से मतलब टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा है वो दे दिया गया, अनलॉफुल एसोसिएशन का दर्जा दिया गया ब्रिटिश रूल के द्वारा। इसके साथ ही कांग्रेस का जो फंड वगैरह था इसको भी ब्लॉक कर दिया गया, मतलब कांग्रेस को कहीं ना कहीं दबाने की पूरी कोशिश की गई ताकि आंदोलन दब जाए, बट ऐसा नहीं हुआ और अंत में अंग्रेजों को बाहर छोड़ना ही पड़ा था। तो वो सारी चीजें हम जानते हैं। अब देखो बात यह है कि थोड़ा ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो स्टार्टिंग में तो बड़े पीसफुल तरीके से चला था, मतलब शांति को यहाँ पे फोकस किया जा रहा था और बस आंदोलन किया जा रहा था। बट जो ही अंग्रेजों ने मतलब इसको सप्रेस करने की कोशिश की और दबाने की कोशिश की तो लोगों के अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कहीं ना कहीं माहौल और ज्यादा बिगड़ गया और उसके बाद में हिंसा के ऊपर लोग उतारू हो गए और उसके बाद तो मारकाट है वो शुरू हो गई थी। बस यहाँ पे एक फैक्ट ये ध्यान रखना है हमें कि जो वॉइसरो काउंसिल ऑफ मुस्लिम थी उनका रोल एक्चुअली अंग्रेजों की तरफ था, मतलब वॉइसरो काउंसिल ऑफ मुस्लिम है वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रही थी इस टाइम पर भी, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, तो ये थोड़ा फैक्ट हमें ध्यान होना चाहिए। तो बेसिकली ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जो बेसिक जानकारी, जहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। चलो आप लोग कमेंट बॉक्स पे क्रिप्स मिशन के बारे में बताइए कि क्रिप्स मिशन में कौन कौन तो शामिल था और क्या इसका मोटो था, क्योंकि इसके ऊपर यूपीएससी मतलब अप्रोचमेंट देखा जाए तो हर 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन पक्का पूछती रहती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने एमएसएमई सेक्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो सेक्टर है इसको बूस्टअप करने के लिए हर जिलों के अंदर उनकी एक एक फूड या एक एक कोई भी उनकी क्वालिटी हो, चाहे खाने की हो या फिर कोई इंडस्ट्री की चीज़ हो, उसको प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है वो लॉन्च की है। तो पहली बात यही ध्यान रखनी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा डिसीजन है या ऐसा निर्णय वो लिया गया। सॉरी इसमें अहम बात क्या होगी कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको 2-3 इंडस्ट्री बताता हूँ मेन मेन, ये थोड़ा पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्री की बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे कि यूपीसी की यूपी की जो मेन मेन इंडस्ट्री, एक तो आपको बताया कि वाराणसी की बनारसी सिल्क है साड़ी, तो वो काफी फेमस है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि भादोही जो कि वहाँ की कारपेट फेमस है, लखनऊ का चिकन फेमस है। इसके साथ ही देखा जाए तो कानपुर का लेदर इंडस्ट्री या लेदर गुड्स वो शामिल है और आगरा के अंदर भी लेदर फुटवेयर है, जो चप्पल वगैरह जूते वगैरह आते हैं वो आगरा की फेमस है। अलीगढ़ के ताले फेमस हैं, मुरादाबाद की जो ब्रासवेयर के सामान होते हैं जो कि टोटी वगैरह होती हैं ऐसे सामान, और मेरठ की जो स्पोर्ट्स गुड्स होती हैं जैसे बैट वगैरह हो गए, बैडमिंटन के बल्ले वगैरह ऐसी जो चीज़ें हैं वो, और सहारनपुर जिसमें कि एक्चुअली लकड़ी के प्रोडक्ट फेमस हैं। तो इन जैसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ताकि हर जिले के अंदर लोगों को मतलब कोई ना कोई इंडस्ट्री प्रमोट की जाएगी तो वहाँ पे रोजगार क्रिएट होंगे, इसके साथ ही हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों की आजीविका तो ऑब्वियसली सुधरेगी ना, लोगों के पास इनकम के सोर्स भी होंगे तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसीलिए बेसिकली स्टार्ट है वो किया गया, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन बढ़ेगी, लगभग देखा जाए तो 5 लाख के आसपास जॉब क्रिएट होंगी, तो इससे लोगों को रोजगार भी तो मिल रहा है ना, तो ये काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है हमारा वो है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2018 के बारे में। हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो मनाया जाता है, तो इस बार भी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे वो मनाया गया और उस दौरान मेन मोटो क्या आ रहा है इसका पहले तो वो देखते हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का देखो मेन मोटो ये है कि एक तो लोगों के बीच में कि जो अवेयरनेस है वो क्रिएट की जाए कि भाई हमें कहीं ना कहीं जो नॉन फॉसिल फ्यूल है ना इसका यूज हमें कम करना, इसका नॉन फॉसिल जो यूज है इसको हमें ज्यादा यूज करना है। फॉसिल फ्यूल वो होता है जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये होते हैं फॉसिल फ्यूल, तो इनके ऊपर हमारी निर्भरता वो कम करनी है हमें। क्यों? क्योंकि इनके जब भी इनको हम जलाते हैं, जब भी इनका एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनको जलाया जाता है मतलब इंजन वगैरह में, तो इनसे काफ़ी खतरनाक गैसें निकलती हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। इसीलिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल हो गया जैसे कि आपको रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ें होगी, जो एथेनॉल मिश्रण हो गया, ऐसी चीज़ें जिनका काफ़ी अच्छा यूज हो सकता है, इन चीज़ों को तरफ ज़्यादा फोकस वो किया जाए, मतलब बायोफ्यूल को प्रमोट करने के लिए बेसिकली स्टार्ट है वो की गई थी। अब देखो बात हम ये करते हैं कि भाई ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो ये एक थोड़ा फैक्ट यहाँ पे बन जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगस्त 1893 की बात है, उस टाइम पे सर रुदाफिस थे, जो रुदाफिस डीजल जिन्होंने एक्चुअली डीजल इंजन का आविष्कार है वो किया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बेसिकली उस टाइम पे क्या कि जो होता है ना अपने मूंगफली का तेल, पीनट का तेल,
पीनट ऑयल, उस पीनट ऑयल की हेल्प से उन्होंने डीजल इंजन को चलाया। मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो खाने वाली जो तेल है उसकी हेल्प से उन्होंने डीजल इंजन को चलाया, तो उसका फायदा क्या हो सकता है? देखो मूंगफली वगैरह तो हम कभी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑलमोस्ट हर साल भर, जो फॉसिल फ्यूल है उसको तो लिमिटेड मात्रा है ना हमारे स्टोरेज में। मतलब हमारे आप देख सकते हो कि अर्थ के अंदर तो फॉसिल फ्यूल एक लिमिट तक है, अगर हम ज्यादा निकालेंगे तो एक टाइम खत्म हो जाएगा। और जो बात हो गई यहाँ पे जैसे कि सरसों का तेल होगा, मस्टर्ड ऑयल होगा या पीनट ऑयल होगा, इनको तो हम हर साल मूंगफली वगैरह के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो खाद्य तेल है इसकी हेल्प से डीजल इंजन को चलाया जाए और इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे फोकस आउट किया गया था। तो कहीं ना कहीं बायोफ्यूल को प्रमोट उन्होंने उस दिन है वो स्टार्ट किया था, और उसी मौके पर हर साल 10 अगस्त एक्चुअली को 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो मनाया जाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीजल इंजन के इनोवेटर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, सर रुदाफेल डीजल। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है NDRF के बारे में, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। देखो बना कब था पहले तो वो देख लेते हैं और भी न्यूज में क्या हुआ है। न्यूज में अभी ये है कि अभी इसकी 4 एडिशनल बटालियन है वो तैयार की गई हैं और उनको जगह जगह पे डिप्लॉय है वो किया जाएगा, ताकि और ज्यादा फोकस है किया जा सके एरिया में। ये इसका बेसिकली अहम ध्यान है वो यहाँ पे रखा जाना है। अब बात ऐसी है 1999 में आपको पता है उड़ीसा के अंदर सुपर साइक्लोन आया था और भारी तबाही मची थी और काफी लोगों के जान माल के नुकसान भी हुआ था। इसके साथ ही 2001 में कच्छ के जो आपको पता है भूकंप आया था वहाँ पे भुज में, वो भी काफ़ी अहम था और उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है भारी मात्रा में हुआ था। तो इन दो बड़े हादसों के बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब तो भी कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, और इसी के बाद 2005 में NDRF का निर्माण किया गया था। उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था बाकायदा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और इसी के तहत NDRF का निर्माण है वो किया गया था। अब हम देखते हैं कि NDRF का काम क्या है, किस तरीके से काम करती है और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। देखो NDRF है वो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि एक बॉडी कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो आपको बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया अपेक्स बॉडी है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के तहत इसका निर्माण है वो किया गया है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो यह आती है होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं IPS लेवल के, ये भी एक चीज है वो हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। हमारे देश में कोई भी डिजास्टर आता है, जैसे ये मान लो कि कहीं बाढ़ आ गई या कहीं ना कहीं दंगे वगैरह काफी ज्यादा नुकसान होगा, तो वहां पे राहत कार्यक्रम चल रहे हैं उस कंडीशन में NDRF वो बेसिकली काम करती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले कश्मीर में बाढ़ आई थी तो उस दौरान जो बेसिकली काम किया गया था वो NDRF के द्वारा किया गया था। अभी केरला में बाढ़ आ रही है तो वहां पे भी NDRF वो बेसिकली काम है वो करती है। चाहे मैनमेड कोई भी ट्रेजेडी हो जाए या फिर कोई चाहे नेचुरल ट्रेजेडी हो जाए, उस सारे कंडीशन में बेसिकली आपदा आ रही, समस्या आ रही है, उस कंडीशन में बेसिकली NDRF वो अपना रोल है वो निभाती है। तो ये कुछ इसको लेके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा फिर आर्टिकल है वो है RCEP के बारे में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। देखो इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक यह एक्टिव फॉर्म में नहीं आया है, अभी तक केवल इस पर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं ताकि इसको एक्टिव फॉर्म में लाया जा सके। आपको बताऊं है क्या, सबसे पहले चीजों RCEP है वो आसियान और +6 जो कंट्रीज हो गई हैं इनके बीच में आपस का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि अभी एक प्रपोज फॉर्म में, मतलब अभी बातचीत चल रही है, नेगोशिएशन चल रहे हैं ताकि इसको एक्टिव फॉर्म में लाया जा सके। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान है वो रखनी है। आसियान +6 की बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं आसियान की, देखो 10 कंट्रीज के बारे में आपको बताएं। +6 का आपको बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से आप याद कर सकते हो। +6 का कॉन्सेप्ट याद करना +3 और +3, प्लस ऊपर वाला +3 इसका आप ऐसे याद कर लेना कि ऊपर की जो कंट्री मतलब चाइना, साउथ कोरिया और जापान, ये होगी +3 में, और फिर +6 मतलब नीचे की +3 और रहेगी इसमें आप कर सकते हो इंडिया, एक सेकंड, इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऐसे 3 कंट्रियां नीचे डिवाइड करना, 3 ऊपर कर लेना, क्योंकि जो आसियान +6 है इससे पहले आसियान +3 था और फिर +6 बना है, तो +3 का ध्यान होना चाहिए कि भाई ये +3 अगर कहीं भी आपको मिल रहा है आसियान +3, मतलब आसियान +3 में इंडिया नहीं आएगा, इंडिया आएगा सिर्फ आसियान +6 में, ये ध्यान रखना। आसियान +3 का मतलब यह हो जाता है कि आसियान के 10 कंट्रीज प्लस चाइना, साउथ कोरिया और जापान, और आसियान +6 का मतलब हो गया चाइना, जापान, साउथ कोरिया प्लस में साथ 3 कंट्री और ऐड करनी है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये चीज हमें ध्यान है वो यहाँ पे रखनी है। 2012 से बेसिकली इसके ऊपर बातचीत चल रही है बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये एक चीज ध्यान में। अब देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको लेके इश्यू क्या है, जैसे इंडिया का इश्यू बता दूं, इंडिया ये कह रहा है कि भाई ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम जो सभी कंट्रीज के लिए आपस में ट्रेड वगैरह है वो फ्री हो सके, बट इंडिया का कंसर्न ये है कि सभी कंट्रीज के लिए हम जो टेरिफ बैरियर है ना वो सेम नहीं कर सकते,
क्योंकि चाइना के लिए स्पेशली हम कम नहीं, ज्यादा कम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते? चाइना के अगेंस्ट इंडिया का इशू ये है कि देखो हमारा मतलब इंडिया का ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड का बहुत ज्यादा घाटा है चाइना के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट। और अगर चाइना को हमने बहुत सस्ते में चीजें एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दी तो सारी चीजें इंडिया में आ जाएंगी, जिससे इंडिया का बिजनेस ठप हो सकता है और चाइना को इससे भारी फायदा होगा और बाकी कंट्रीज को इससे नुकसान, मतलब बाकी कंट्रीज को इतना फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि चाइना ज्यादा चीजें इंडिया में भेज देगा। तो इसीलिए हम चाइना के लिए थोड़ा टैरिफ बैरियर ज्यादा रखेंगे, बाकी कंट्रीज के लिए हम कम रखेंगे ताकि एक बैलेंस हो बना हुआ रह सके। तो ऐसे कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं। तो उसके बारे में अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प से, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जो हेड है अभी वो है सुरेश प्रभु, उनकी हेल्प से आपस में कमेटी बनाई गई है ताकि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप हमें सुझाव दीजिए एक बार कि हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करना है और कैसे हम यहाँ से बेस्ट सोल्यूशन पा सकते हैं। तो ये सारा कंटेक्स्ट और सारा सीन था जो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है इज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। देखो इज ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। ये इसी का एक इनिशिएटिव है जिसका काम सीधा सीधा ये है कि हमारे देश की जो मेजर सिटीज हैं, बेसिकली इसमें 111 सिटी को काउंट किया जाता है, उनकी रैंकिंग बनाई जाती है। किस आधार पे? उनमें इंडस्ट्रीज कैसी हैं इस ये देखी जाती है, उनकी सोशल कंडीशन कैसी है वो चेक की जाती है, इकोनॉमिक हालात कैसे हैं और उनकी फिजिकल लाइफ है वो कैसी है। इन सारे चार पैरामीटरों के आधार पे सिटी की एक इंडेक्स तैयार की जाती है कि वहाँ पे लोग रह कैसे रहे, कितने परेशान वगैरह, क्या क्या इश्यूज वगैरह उनके बेसिस पे, और फिर इस इंडेक्स को पब्लिश है वो किया जाता है। अब इसका एक मेन मोटो ये भी है कि हमारे देश के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब सफाई वगैरह के, किसी भी आप देखिए मान लो कि लोगों के रहने के, लाइवहुड वगैरह के, इन सारे स्टैंडर्ड को हम ग्लोबल लेवल के जो बेंचमार्क हैं उनके आधार पर तय करें, मतलब इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं पैमाने हैं उनको भी हम इंडिया के इस फीचर्स में इंक्लूड करें ताकि हमारी रैंकिंग वो ऑल ओवर वर्ल्ड की कंट्रीज के क्लोज के, मतलब हमारी सिटी है वो वर्ल्ड क्लास सिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर हम कर सकें। इसके लिए हमें वर्ल्ड के स्टैंडर्ड को फॉलो है वो करना होगा। ये चीज बेसिकली यहाँ पे फोकस है वो की गई है। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके टारगेट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि एसडीजी गोल भी हम जल्द से जल्द हासिल है वो कर सकें। और इसी के साथ अहम बात क्या है वो यहाँ पे फोकस किया गया है कि भाई देखो जो भी आउटकम बेस्ड अप्रोच है ना उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। हमारे देश में क्या होता है पॉलिसी लाई जाती है बट उनका आउटकम नहीं देखा जाता। बेटर यह होगा कि हमें आउटकम के बेसिस पे पॉलिसी बननी चाहिए कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, हमने ये पॉलिसी बनाई है उसका आउटकम कितना आ रहा है। हम ये नहीं देखें कि भाई इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया, हमें ये भी देखना है कि इसका रिजल्ट कितना रहा है, मतलब हमें आउटपुट पे फोकस करना है, केवल इम्प्लीमेंटेशन से ही सोल्यूशन ही निकलने वाला। तो ये बात बेसिकली यहाँ पे की गई है। अब हम आगे देखते हैं आज जीआई टेक के बारे में। किसने पूछा भी था कि सर जीआई टेक के बारे में बताइए, तो आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस है वो कर लेते हैं, कोई काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट वहाँ पे हमारे लिए बन जाते हैं। देखो जीआई टेक है, सबसे पहली बात है कि क्या दिया जाए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली इसका नाम फुल फॉर्म है। बात कुछ ऐसी है कि देखो किसी भी एरिया की कोई चीज बड़ी फेमस होती है, जैसे कि आपको पता है कि आसाम या दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आसाम के अंदर जो चाय प्रोड्यूस हो रही है दार्जिलिंग वाली, उसको एक ठप्पा, मतलब एक से आप बोल सकते हो कि एक टैग लगा हुआ उस पर कि उस वाले एरिया की चाय बहुत अच्छी है, बेसिकली यही तो हुआ ना। अब देखो हो क्या सकता है, अगर वो चाय बाहर की कंट्रीज में भेज जा रही है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन है कोई इशू नहीं है, बट अगर ये आप सोच के देखिए इन केस कि कोई भी एक थर्ड पार्टी, ये मान लो कि कोई यूपी की कोई जगह है वहाँ पे किसी ने आसाम की दार्जिलिंग चाय का झूठा ठप्पा लगा के मार्केट में भेज दिया, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी का नुकसान होगा ना। जो कस्टमर आके आसाम की चाय के नाम से खरीदेगा और उसे नकली चाय मिल गई, तो कहीं ना कहीं जो चाय मेन जो ट्रेडमार्क आप बोल सकते हो कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लगा हुआ था कि भाई आसाम की चाय बहुत अच्छी है, वो ठप्पा कहीं ना कहीं धुलमिल हो जाएगा, मतलब लोगों का भरोसा उठ जाएगा उससे, क्योंकि वो क्वालिटी तो वहीं की चीज़ फेमस थी। तो इसके आधार पर ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का दर्जा वो दिया जाता है ताकि जो चीज़ यहाँ की फेमस है वो चीज़ के वहीं के लोग बेच सकें, कोई बाहर के लोग नहीं। तो इसको लेके बेसिकली इसकी स्टार्टिंग हो की गई थी आसाम जैसी चाय को लेके, आप एग्जांपल मैंने बता दिया। अब बात ऐसी है, इंडिया में गुड्स रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, इसके तहत जीआई टैग वो बेसिकली दिया जाता है। मतलब 1999 से पहले इंडिया में कोई ऐसे प्रावधान वगैरह नहीं थे जीआई टैग वगैरह से रिलेटेड, इसके बाद ये सारी चीज आई है। और इस जो जीआई टैग से संबंधित जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम है वो किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क के द्वारा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जो कि ट्रेडमार्क वगैरह को रजिस्टर वगैरह करने का काम है वो करती है। अब देखो जीआई टैग है और जो और भी तरह के पेटेंट वगैरह हो गए, जैसे किसी ने कोई नई मेडिसिन बनाई है तो उसका पेटेंट लेगा ना ऑब्वियसली, होता है कि वो दूसरा आदमी वो मेडिसिन नहीं बना ले, अदरवाइज तो उसको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पेटेंट वगैरह का काम हो गया, या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का काम हो गया, या फिर आप कोई गाना वगैरह आपने कंपोज किया तो उसका कॉपीराइट वगैरह होगा, ऐसे सारे जो काम है वो किए जाते हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। इसके साथ ही हम बात कर सकते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, इसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डीआईपीपी, और कौन सी मिनिस्ट्री आती है वो आती है मिनिस्ट्री
कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है। देखो सबसे पहले हमें कोई भी चीज को पेटेंट या जीआई टैग दिलाना है, उसके लिए हम पेटेंट ऑफिस में जाके पेटिशन या रिक्वेस्ट वो फाइल करेंगे। इसके बाद में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क है, वो उस चीज को वेरीफाई चेक करेगा। इसके बाद में ही डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन है, वो उस चीज को लेके सारा काम है वो करेगा। और ये सारा काम होता है कॉमर्स मिनिस्ट्री की देखरेख में। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। जो भी कोई भी चीज इस एरिया की बड़ी फेमस होती है, जैसे कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल का जैसे भी रिसेंटली रसगुल्ले को जीआई टैग मिला था, मतलब वेस्ट बंगाल का जो रसगुल्ला है वो बड़ा अच्छा है। वहां अगर वहीं का रसगुल्ला तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, वहीं के लोग उस नाम से बेच सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान में बीकानेर का भुजिया, मतलब जो भुजिया है वो राजस्थानी बीकानेर भुजिया बड़ा फेमस है, वो वहाँ का ही जीआई टैग हुआ कि भाई उस एरिया की चीज है, भुजिया उस एरिया में बड़ा एक्सपर्ट है। जैसे कि भी कड़कनाथ मुर्गा था जो कि एमपी में पाया जाता है, उसको जीआई टैग दिया गया था। तो ऐसे काफी जीआई टैग है वो दिए जाते हैं क्योंकि उस एरिया की वो चीज बड़ी फेमस होती है और उस चीज की क्वालिटी मेंटेन रहे, कोई दूसरा आदमी उसका यूज नहीं कर सके, मिसयूज ना कर सके, झूठा मतलब लोगों को चुना ना लगा सके, इसके लिए बेसिकली इसका निर्माण है वो किया गया था। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। इसके साथ ही हम एक दो चीजें और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग है वो। जैसे कि हमें ये मेनली आर्ट एंड कल्चर में कई बार पूछा जाता है कि ब्लू पोल्ट्री की, ब्लू जो पोल्ट्री होती है उसको जीआई टैग कहाँ है, तो ये दिया गया है बेसिकली जयपुर में। तो ये थोड़ा हमें पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो बात करते हैं चांदेरी फैब्रिक, वो है मध्य प्रदेश की। और इसी के साथ ही जो कुछ और भी तरह की जो गुजरात के अंदर जो कढ़ाई वगैरह होती है, ये भी यहाँ पे गुजरात की है। सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में आता है, वहाँ की चद्दर काफी फेमस है। इसी के साथ ही मैसूर जो कि आपको पता है कर्नाटका में, वहाँ की सिल्क है, कॉटन जो सिल्क होगी सॉरी, वो बहुत फेमस है। इसके साथ ही हम बात कर लें केरला के अंदर काफी सारी और वहाँ की चीजें फेमस हैं, तो ये केरला वाला तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और यहाँ पे हाँ ये तमिलनाडु की कांचीपुरम सिल्क इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कांचीपुरम सिल्क कहाँ की है, तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है कांचीपुरम, उसके नाम पे बेसिकली इसका नाम रखा गया है। इसी के साथ ही सेलम है तमिलनाडु में जगह, वहां पर भी जो फेब्रिक है कॉटन है वो बड़ा फेमस है, तो ये चीज थोड़ी हमें पता होना चाहिए। और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पे, हाँ ये जो भी रिसेंटली मिला था छत्तीसगढ़ में ढोका, जो डोकरा, ये बेसिकली क्या है कि जो मूर्तियां हैं वो बनी हुई होती हैं, तो ये भी छत्तीसगढ़ को रिसेंटली काउंट है वो किया गया, ये भी पता हमें होना चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ पे बात करें और तो कुछ इसमें, हाँ ये मधुबनी पेंटिंग ही हमें पता है कि ये बिहार की है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ ही हाँ ये बेसिकली मेन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। और भी देखो जो न्यूज में आते हैं वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।